अदालत ने इलेक्शन का फैसला सुना दिया। इलेक्शन होगा और हर हाल में होगा। पीडीएम वालों की नींद हराम हो गई, क्योंकि ये अपना अंजाम अच्छी तरीके से जानते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने क्या खूब कहा था, इलेक्शन को रोको। इस बार इमरान खान हमें जमीन में जिंदा गाड़ने वाला है। उनके बारे में ये सबको यकीन है कि इस आदमी को दोबारा अगर मौका मिल गया तो ये रियासत के भी बखिये उधेड़ेगा, ये अदारों के भी बखिये उधेड़ेगा, और ये सियासी मुखालफीन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा। पीडीएम जितना इलेक्शन से भाग रही थी ना, इतनी फंस गई है। कहानी अजीब मोड़ में दाखिल हो गई। एक तरफ एक पठान तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट और बिरूनी कुव्वतें, लेकिन फिर भी पठान का पल्ला भारी है। इस एक साल में तुम लोगों ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया, लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तुम लोगों को तो सिर्फ इख्तदार एंजॉय करना था। एक पुरानी कहावत है, अल्लू बिके या ना बिके, गद्दी ने तो शहर देख लिया। मतलब मुल्क आबाद हो या उजड़े, शाबाश शरीफ ने तो वजारत उज़्मा देख ली। मेरा कप्तान हाथ में एक डेरी लेकर पीएम हाउस से निकला था, और इंशाल्लाह लश्कर के साथ सुल्तानत संभालने आ रहा है। Say